अरे भाई लड़ाई होगी, देख रहे हो? देख रहे हो बैंक लड़ाई हो गई है। क्योंकि इसमें से ग्लव्स बाहर नहीं निकाले, तो मैं वैसे गाइस मैं निकाल के रख देता हूँ ग्लव्स। अरे 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 भाई देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज, कल मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं कराया यार, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। दो दिन से हल्द्वानी में एकदम मौसम खराब है। अभी भी बारिश हो रही थी बट अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए एक, क्योंकि भाई यूट्यूब पर जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेनटेन करके रखनी है मुझे। काफ़ी बार पहले भी हो चुका है, मैं पहले दो दिन व्लॉग अपलोड कर रहा था फिर नहीं कर रहा था, एंड फिर कर रहा था फिर नहीं कर रहा था। इसलिए आज मैंने गाइज मैं अभी जा रहा हूँ व्लॉग करने के लिए, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी है जो यूट्यूब पर वो मेनटेन रहे। एंड गाइज, अब हमारी है ना जनता धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी जनता का कुछ नाम रख दें। एंड वो क्या नाम रखना है वो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बाकी मैंने सोचा हुआ है, बाकी तुम लोग भी अपने मतलब सजेशंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, नैनीताल में है ना इतनी मस्त बर्फ पड़ी हुई है ना, नैनीताल में और उसके आसपास वाले एरिया में बहुत अच्छी बर्फ पड़ी हुई है। हम लोग गाइस वहां जाने का सोच रहे थे बट मौसम इस तरह का खराब हो रखा है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग नहीं जा पाए। बट अभी देखते हैं, एक आध दिन तक अगर बर्फ वैसी रहेगी तो हम लोग एक बार जरूर जाएंगे, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। बाकी गाइस, मैंने अपना गोप्रो का मीडिया मोड है जो ऑर्डर कर दिया है, एंड वो मुझे 3-4 दिन में डिलीवर हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस हम लोगों ने अपना एक जंबो ट्राइपॉड है, मतलब पहले तो मेरे पास अभी बेसिकली ये वाला ट्राइपॉड था, मैं इसको यूज़ कर रहा था, ये लार्ज साइज़ है, इसके बाद आता है जंबो। तो मैंने जंबो वाला जो साइज़ है वो ऑर्डर करा है, वो काफ़ी सही वाला ट्राइपॉड है। एंड ये 3 kg तक वेट है जो कैरी कर सकता है, एंड वो 5 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। तो अभी फिलहाल वो ये दोनों चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी है, एक मुझे 7 फेब को डिलीवर हो जाएगा, एक मुझे 8 फेब को डिलीवर हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं उन दोनों का। इस फिलहाल अभी चल रहे हैं हम लोग एक राइड करने के लिए, वो भी बारिश में, तो देखते हैं कि कैसे रहता है। ओ भाई कहाँ पड़ रहा है भाई पीछे भाई जब भी हेलमेट बंद करके जाता ना कुत्ते बढ़ जाते हैं पीछे। एंड ये चेक कर रहे हो भाई तुम लोग, आज का मौसम भयंकर एक नंबर मौसम है भाई आज का। सामने जैसे कि तुम लोग देख पा रहे होगे क्या सही लग रहे हैं भाई पहाड़। एंड भाई दो दिन से है ना यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, आज जाके थोड़ा सा मौसम खुला है। एंड अभी भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम अभी फिलहाल भाई ऐसा है कि सह सकते हैं मतलब। बाकी सुबह से तो भाई बहुत ठंडा हो रहा था। बाकी अभी तुम लोग देख रहे हो भाई जगह देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। अरे डॉगी कहाँ रोड में घूम रहे हो? एंड भाई वो देखो तुम लोग देख पा रहे होगे वहाँ पे पहाड़ों के पीछे, वहाँ पे भाई है ना बर्फ़ पड़ी हुई है, एक नंबर बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। जाने का बहुत मन था, मेरी सुबह बात भी हुई थी नैनीताल जाने के लिए, बट उसके बाद भाई ने मना कर दिया क्योंकि भाई बारिश हो रही थी। अगर हम लोग कार वार से जाते तब तो आराम से जा सकते थे, बट हम लोग जा भी बाइक से रहे थे तो अभी मौसम थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, इस चक्कर में फिर हम लोग नहीं गए। कोई बात नहीं गए, हम लोग फिर प्लान कर लेंगे वहाँ पर जाने का। बाकी फिलहाल अभी चल रहे हैं भाई एक सिंपल सी ऐसी राइड करने के लिए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा हो रखा है भाई, मेरे को जाना था RTO ऑफिस हिमानी लाइसेंस का कार्ड लेने के लिए, बट अभी फिलहाल उन्होंने मना कर दिया क्योंकि स्टाफ नहीं है अभी। भाई बारिश हुई नहीं और यहाँ की रोडें टूटी नहीं। दिन में तो भाई एकदम अंधेरा सा हो गया था, अभी तो फिर भी बहुत सही हो गया, मौसम खुल गया। कल भाई एक नंबर रेनबो निकला हुआ था इस तरफ को, मज़ा आ गया देख के। एंड गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना मीडियम मोड भी ऑर्डर कर दिया है, एंड 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। और एक जंबो ट्राइपॉड है जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, वो भी हमें डिलीवर हो जाएगा। भाई दूर से मुझे ड्यूक लगी, अपाची RTR 160 जो है ना उसका फ्रंट मुंह है ना थोड़ा थोड़ा ड्यूक जैसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा। ओह माय गॉड, गाइस हम लोग नीचे की तरफ को जाएंगे, आज ऊपर को नहीं जाएंगे, आज इस तरफ से घूम के आते हैं। एंड हियर इज सम रिएक्शंस। भाई ये कटघरिया के नीचे वाली रोड है, बेसिकली यहाँ पे गाइस लोग है ना घूमने के लिए आते हैं शाम को, तो यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन लेंगे आज, क्योंकि आज भाई कहीं जा तो सकते नहीं है क्योंकि आज कोई काम है ही नहीं। काम तो था बट गाइस अभी काम पूरा होगा नहीं हम लोग का। अभी फिलहाल 3:30 बज रहे हैं, एंड तुम लोग देख सकते हो भाई मौसम क्या हो रहा है, लग नहीं रहा 3:30 बज रहे होंगे। रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा, फिसलने का डर है भाई। लेकिन बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, धूप आ जाए, लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, लोग बराबर घूम रहे हैं। ढेर रिएक्शंस गाइस देख रहे हो बंदा मूंगफली खाते खाते मुझे देखने लग गया ये रोड काफी सही हो गई थी पता है, बट टूट गई दोबारा से। आवाज देख रहे हो भाई स्प्लेंडर की, ब्रूम 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 भाई मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कीचड़ उड़ चल के मेरे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि पीछे मडगार्ड तो है नहीं अपनी हाइड्रा पे। ये देख रहे हो गाइस वन मोर रिएक्शन। एंड ये देख पा रहे हो तुम लोग भाई, अबे यहाँ पे ये क्या बनने लग गया। यहाँ पे गाइस यहाँ पे ना एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल पे ना
होली के दिन हम लोग खूब नहाया था हम लोगों ने उस ट्यूबवेल पे। ये वाली जगह मुझे याद है, हमेशा याद रहेगी। अभी भाई मैं यहाँ पे है ना 3-4 महीने बाद आ रहूँगा, हाँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं बीच में जब हल्द्वानी आया था ना तो मैं इस तरफ को कम ही आया था, एंड अभी आ रहा हूँ तो भाई देखो यहाँ पे पता नहीं कुछ और ही बनने लग गया। एंड हियर इज विदाउट हेलमेट, देख रहे हो भाई बिना हेलमेट के चल रहे हैं इतनी ठंड में। एंड इन अंकल ने भी नहीं लगा रखा हेलमेट, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया भाई। ओह माय गॉड, हियर इज सम रिएक्शन, यहाँ पे लेते भाई रिएक्शन, ये देख रहे हो एक नंबर मेरी जान। क्या बात है क्या बात है, ओहो ओहो क्या पावर है भाई। अंकल जी थोड़ी सी साइड बस, थैंक यू। वैसे अंकल ने साइड दी नहीं, मैंने वैसे ही थैंक यू बोल दिया। भाई कितनी बेकार रोड है यार, हाइड्रा से हम ऑफ रोडिंग करवा रहे हैं ब्रो। भाई इस तरफ को मजा आ रहा है लेकिन जो कह लो, ओ माय गॉड भाई गड्ढे भी नहीं दिख रहे, बता गड्ढे के ऊपर चढ़ रही है सीधा बस आज हाइड्रा। एंड भाई जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारी है ना जनता है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम अपनी जनता का नाम रखने वाले, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एंड भाई मेरा वाला एग्जॉस्ट था ना जो सी प्रोजेक्ट वाला, वो मैं सेल कर रहा हूँ, तो तुम में से अगर किसी को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या कमेंट सेक्शन पे बता देना। ये आगे गए हम लोग हाईवे पे, हल्द्वानी का सबसे बड़ा हाईवे कह लो इसे। इस रास्ते का मैंने तुम्हें कल बताया था, हम यहाँ से ऐसे आगे को गए थे, बट अभी अपन लोग चलेंगे इस तरफ को। ओह माय गॉड क्या बात है भाई, ओवरटेक देख रहे हो उसका, बस भाई आगे पुलिस ना खड़ी हो। भाई जब तक लाइसेंस नहीं आता ना यार, पुलिस की बहुत डर है भयंकर, कहीं भी पकड़ लिया दिक्कत हो जाएगी। वैसे यहाँ पर तो ये देख लो भाई, देख रहे हो अंकल ने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ। क्या बात है क्या बात है, एक नंबर। ओह आवाज देख रहे हो भाई हाइड्रा की, क्या बात है भाई। हम लोग है ना 6 मिनट में वहां से यहाँ पहुंच गए, वो भी 40-50 की स्पीड पे, काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे भाई मुझे बहुत ज्यादा लग रही है ठंड, तो हम लोग पहन लेते हैं पहले ग्लव्स। भाई ठंड बहुत ज्यादा हो गई है हल्द्वानी में भयंकर, इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पिछली बार से भी ज्यादा ठंड है इस बार। अच्छा हुआ भाई मैंने उस दिन इसमें से ग्लव्स बाहर नहीं निकाले, नहीं तो मैं वैसे गाइस मैं निकाल के रख देता हूँ ग्लव्स, बाहर नहीं रखे, इस बार इसके अंदर ही पड़े थे तो काम आ गए अभी भाई, हाथों की बैंड बच जाएगी नहीं तो घर पहुँचते। भाई फिर भी बहुत अच्छा कवर दे देते हैं ये, बस एक तुम्हारे पास सर्जिकल ग्लव्स और होने चाहिए, अगर राइड पे जा रहे हो ना तो उन्हें पहन के जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं जाएगी। वैसे इन्हें भी पहन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भाई मुझे ना थोड़े से सेफ्टी गियर्स खरीदने हैं, जैसे कि लेग गार्ड, हैंड गार्ड, ये सब खरीदने हैं, बाकी और सब तो सारा सामान ही है अपने पास। 4 महीने पहले जब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, तब मेरे पास एक हेलमेट और अपनी हाइड्रा और मेरे पास एक फ़ोन था बस। अभी गाइज अभी फ़िलहाल मेरे पास सब कुछ है, गोप्रो भी है, मीडिया मोड नहीं था वो भी ऑर्डर कर दिया है, बाकी सब कुछ जितने भी गैजेट थे सारे अपने पास है अभी। भाई या तो साइड दे दे या बीच में चला लेना, ये साइड दे रहा है ना बीच में चला रहा है, कोई भी हेलमेट में नहीं है भाई, सब बिना हेलमेट के घूम रहे भयंकर। भीड़ जैसी लग रही है, देखना पड़ेगा, देख रहे भाई बिना हेलमेट, ये देखो भाई ये भी बिना हेलमेट। इन लोगों को गाइस कभी है ना पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं, हम जैसे राइडर्स जो होते हैं ना भाई हमको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। तो तुम्हारा भाई चलान कटवा ही चुका है। कोई नई बात नहीं है। मौसम देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, आज एक नंबर मौसम हो रखा है। अभी सुबह तो भाई कुछ कहना ही नहीं था, मतलब सुबह है ना इस मौसम के बारे में मेरे पास वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए, बट अभी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पूरा आर्टिकल लिख सकता हूँ इस मौसम के ऊपर, एक नंबर मौसम हो रखा है भाई। आते भाई रोड देख रहे हो, एक नंबर। क्या बात है, ट्रैफिक देख रहे हो भाई, 2-3 बसें खड़ी है, 2-3 ट्रक खड़े हैं एंड सारा रास्ता जाम किया हुआ है। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया यहाँ पे? अरे भाई लड़ाई होगी, देख रहे हो, देख रहे हो भयंकर लड़ाई हो गई है। ऐसे काफी सारे रोडेज है ना मुझे दिख जाते हैं रास्ते में होते हुए, क्या बात है। एंड गाइस अब हमें हमारी हाइड्रा में क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, एंड तुम्हारा भाई वही सेम मॉडिफिकेशन अपनी हाइड्रा पे करा देगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। भाई साहब क्या रास्ता है, बे ऊपर चढ़ा दूं क्या, बट सामने से भी 2-3 लोग आ रहे हैं, वहाँ पे फिर फंस जाएंगे। अरे भाई 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 भाई, क्या बात है क्या बात है,
ये चीज खाई है तुमने? पक्का खाई होगी ये चीज भाई, बहुत प्यारी लगती थी बचपन में, हम लोग भी बहुत खाते थे ये चीज। भाई को देख रहे भाई कितने मजे में बैठा है, क्या बात है क्या बात है भाई लगता है भाई रेस करना चाहता है। अरे 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 भाई देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो भाई, कहीं कहीं पे मेरे को ना एबीएस सही भी लगते हैं एंड कहीं कहीं पे बेकार लगते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अचानक ब्रेक मारना पड़ा, एबीएस थे इसकी वजह से स्लिप नहीं हुई, बट भाई एबीएस है ना फंसते हैं बहुत ज़्यादा, जब है ना इसे दबाते हैं ना प्रेस करते हैं तो एबीएस फंसते हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे विदाउट जिसमें डिस्क लगा होता है ना भाई, डिस्क है ना आराम से रुक जाता है, बट ये जो एबीएस होता है ना भाई, एबीएस जिन पे लगा होता है ये बहुत धीरे धीरे रुकता है। ये गाड़ी वाला चाहता क्या है मेरे को तो ये नहीं पता लग रहा। ओके ब्रदर मीट यू सून, क्या बात है क्या बात है। पावर का कोई जवाब नहीं है भाई इसकी, रिएक्शन देख रहे हो भाई एक नंबर। तो अभी गाइस हम लोग कटघरिया चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम था मुझे, फिलहाल काम हो चुका है अपना कंप्लीट, अब तो अब चल रहे हैं घर को। ये हेलमेट पे ना पूरी ओस जम जाती है भयंकर, अभी जैसे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वैसे कि लाल कलर की गाड़ी दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। भाई यहाँ पे मेरा एक दोस्त है वरुण, उसे फ़ोन लगाते हैं, इससे मिला नहीं मैं इस बार अभी। भाई जैसे कि तुम देख पा रहे होगे जिम बॉय आ गया मैंने कहा जिम बॉय आ गया, और बता कहाँ घूम रहा है, तो गोरा हो गया यार तू तो। वो कहाँ है रानीखेत? कल वीडियो डाली थी। हाँ अभी उसने उसका स्टेटस देखा, सुबह होम टाउन लिखा था जो। कॉलेज वॉलेज का क्या चल रहा है? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर चल रहा है। हैं तुम मेरे साथी तो पास हुआ था ना शायद? अबे तेरा फर्स्ट ईयर कैसे कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी? पेपर तो हो गए। अबे यार हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर नहीं हो रहे अभी। सेमेस्टर? हाँ मैं ऐसे ही घूम रहा था, मैंने कहा यहाँ से जाता हूँ, मैंने कहा तेरे से मिल के जाता हूँ। कहाँ को बता, चला आ जा बैठ। तो अभी गए सर की डिमांड पे हम लोग जा रहे हैं लामा चौड़ की तरफ को। लामा चौड़ में क्या करेगा, किसके घर जाना है? भाई तुम लोग ये चीज देख रहे हो, ये मेरे गोप्रो का था, ये मैंने इस पे लगा दिया है। अभी मैं यहाँ नीचे से गया था घूम के पूरा, और रामनगर हाईवे से वो घूम के उस तरफ से इधर को आ रहा हूँ। कौन? कुलदीप बोल रहा था, पेपर चल रहे हैं, एक आध दिन में खत्म होंगे फिर चलते हैं। क्या पता यार, हाँ हो गया होगा शायद है। अबे यार हम क्या करें भयंकर। ये देख रहे भाई यहाँ पे दबा के नारे चल रहे हैं बीजेपी के एंड कांग्रेस के। अभी हम घर नहीं जाने वाले, अभी हम जाएंगे नीचे को। क्या बात है क्या बात है। अब देखो गाइस थोड़े थोड़े ना पहाड़ों के आगे ना धुंध जैसी जमने लग गई है, क्योंकि शाम होने लग गई है, तो अब पहाड़ थोड़ी देर में ना गैप से हो जाते हैं एकदम। सुबह तक तो दिख भी नहीं रहे थे, अभी तो फिर भी थोड़ा अच्छे से दिख रहे हैं। बहुत सही हो रही है बर्फ नैनीताल में। एंड गाइस वाली रोड देख पा रहे हो तुम, एक नंबर है। एंड पन्याली की तरफ तो गाइस एक नंबर रोड है, इसी टाइप की है, मजा आता है। उस तरफ को एक दिन चलेंगे बाइक लेके। यहाँ से देख रहे हो गाइस पहाड़ कितने पास लग रहे हैं, लगभग हम लोग पहाड़ों के अंदर एकदम पहुंच चुके हैं। हाँ तू पापा की परिया विदाउट हेलमेट, फिर मुझे कहाँ से मिल जाते हैं ये लोग, क्या बात है एक नंबर एक नंबर। लड़के बैठ, उड़ेगा तू तो उड़ भी जाएगा। अगेन भाई हम लोग फिर से इस तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि अब ये गगन से कुछ खिलाने वाला है, तो हम लोग चल रहे हैं अब गगन स्वीट शॉप पे। भाई मेरी है ना हाइड्रा में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत रैश चलाता हूँ, बट मैं रैश चलाता नहीं हूँ ब्रदर, मेरी बाइक में से आवाज़ ही इतनी आती है, मैं क्या करूँ। वो तो अच्छा हुआ भी एग्जॉस्ट निकाल दिया, जब एग्जॉस्ट लगा होता ना भाई तब हल्की सी स्टार्ट भी करते थे ना, इतनी जोर की आवाज़ आती थी ना क्या बताऊँ। बाकी तुम लोगों ने व्लॉग तो देखे ही हैं भाई,
भाई तो फिलहाल हम लोग घर पे पहुंच रहे हैं एंड भाई वहाँ पे मुझे वरुण मिल गया था तो उसके साथ हम लोग गगन स्वीट चले गए थे। ताकि चलो मैं पार्टी देता हूँ, मैंने कहा चल भाई चल ले पार्टी, हम मना तो करते नहीं है, तो मैं उसके साथ चले गया। हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, उसके बाद फिर मैंने उसे घर छोड़ के मैं वापस यहाँ को आ गया। एंड ओप्रो में जो एसडी कार्ड लगा था ना वो फुल हो गया, क्योंकि मैंने उससे पुरानी जो वीडियोस थी वो डिलीट नहीं करी थी उसमें से, तो अभी इसलिए वीडियो थोड़ी सी बनी, उससे आगे की वीडियो बन नहीं पाई। तो अभी मैं तुम्हें एक आध चीज़ दिखाने वाला था एंड अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने हाइड्रा में ना एक चीज़ और ऐड करी है एंड वो क्या करी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। तो भाई जैसे कि तुम लोग देख पा रहे होगे, ये यहाँ पर मैंने ना ये मुझे गोप्रो के साथ मिला था हेलमेट पे माउंट करने वाला, बट मेरे जो हेलमेट है मेरे हेलमेट पे ये लगा हुआ था पीछे से माउंट बेल्ट, तो इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने इसे अपनी हाइड्रा पे ना यहाँ पे एमसील से इस तरह से चिपका दिया ताकि मैं ना यहाँ से ना अलग डिफरेंट शॉट्स ले सकूँ। यहाँ पे गोप्रो लगाऊंगा ना तो ऐसे फ्रंट वाला शॉट आएगा मस्त। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ भाई एक सेम है ना एक यहाँ पर भी लगा दूँ ताकि इस तरफ से इस साइड का कुछ व्यू आए। आज की राइड भी गाइस हम लोगों की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट जितनी भी थी एकदम मस्त थी, मज़ा आया राइड करके एंड मौसम बहुत सही हो गया था अभी। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को जाकर लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, जिस जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया गाइस जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।